वक्त हो गया है जानने का कि आज का टुडे ट्रेड कौन सा है. रुक कर लेते हैं इसी सेगमेंट का. डिम्पी से जान लेते हैं आज का टुडे ट्रेड, जिसको आप इंट्राडे और पोजिशन दोनों नजरिए से देख सकते हैं. बताइए डिम्पी. देखिए दीपाली, हर दिन एक नई थीम मार्केट के अंदर है और आज आप थोड़ा सा प्ले करना चाहते हैं तो क्रूड का फैक्टर के साथ प्ले कर सकते हैं. असल में एक तारीख से ओपेक और नोनो पैक ने जो फैसला किया था प्रोडक्शन कट का, वो लागू हो जाएगा. और देखेंगे इस बार, क्योंकि दोनों ही सेगमेंट ओपेक और नॉन ओपेक प्रोडक्शन कट करेंगे, तो क्रूड के अंदर हो सकता है एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपके पास आता हुआ दिख जाए. क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आज का दिन, कल और परसों का दिन है, तो एक ऐसी थीम है जहां पे क्रूड एक कहीं ना कहीं मोमेंटम में रह सकता है, चल सकता है. तो इसलिए एबन ऑफशोर पे आप नजर रखें. एबन ऑफशोर काफी स्ट्रांग है और कच्चे तेल के साथ बहुत तेज रिएक्शन देता है. ऐसा नहीं कि लिस्ट में और शेयर नहीं है क्रूड से चलने वाले, कुछ एक डेरिवेटिव्स के शेयर्स भी हैं, जैसे केन इंडिया है और कुछ एक छोटे शेयर्स भी हैं, दीप इंडस्ट्रीज भी है. लेकिन एबन ऑफशोर इस पे अच्छा रिएक्शन देता है और अब तक ड्रिलिंग कंपनीज के हिसाब से देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस प्राइस बिहेवियर के हिसाब से बेहतर रही है. आप पिछला एक साल का इसका रिटर्न देखेंगे 3%, लेकिन सिर्फ 3 महीने में 10% चला है. इसका मतलब यह है कि अभी की जो स्थितियां बदल रही हैं, कच्चे तेल में जो फर्मनेस दिख रही है $55 या $50 के ऊपर टिके रहने की, ये इस शेयर की बैलेंस शीट को ना केवल ठीक करेगा बल्कि उस कन्विक्शन को भी तोड़ेगा जो लगातार पिछले 1.5-2 साल से हमने कैरी की थी. और इस बार का जो टर्न अराउंड सेगमेंट होगा वो कच्चा तेल ही है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एबन ऑफशोर आगे भी आपको आता हुआ दिखेगा. रही बात इनके अपने बिजनेस की, तो नो डाउट इनकी बुक्स पे, बैलेंस शीट्स पे डेट थोड़ा ज्यादा है, उसको कम करने की कोशिश होगी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो कच्चे तेल के बढ़ते ही शुरू हो जाएगी. और ओपेक और नॉन ओपेक का जो ट्रिगर है, नो डाउट इस शेयर को कम से कम 10% भी चला दे, या कच्चे तेल से जुड़े शेयर्स को 10% भी चला दे, सभी को कोई बड़ी हैरानगी नहीं हो सकती. इसलिए 234 का टारगेट यहाँ पे रखें, 220 का एक स्टॉपलॉस रखा जा सकता है. एबन ऑफशोर है आज का टुडे ट्रेड, जहां पर आप पोजीशंस बनाइए 234 के टारगेट्स के लिए. कल भी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ. लेकिन टुडे ट्रेड से पहले हम बात कर रहे थे आईटीसी की, और इस पर कमेंट ले लेते हैं राकेश आपके. एक तो आईटीसी पिछले 2 दिनों की बढ़त के बाद, कल का तो वाइब्रेंट मूव था, उससे पहले भी ये स्टॉक बढ़कर बंद हुआ था, एफएमसीजी थोड़ा फ्लेवर रहा भी है, या फिर कहें कि ट्रेडर्स ने देखा इस स्पेस को पिछले 2-3 दिनों में. तो आईटीसी में जिसने पोजीशन बनाई हुई है उसे क्या करना चाहिए, भी मुनाफा समेट ले या फिर होल्ड कर ले. और एक छोटा एफएमसीजी स्टॉक है, वो है ज्योति लेबोरेटरीज. इस स्टॉक में भी काफी अच्छी बाइंग हमने विद वॉल्यूम्स देखी. इन दोनों स्टॉक्स पर आप क्या कर रहे हैं दीपाली? अगर पहले हम आईटीसी की बात करें, तो कल आईटीसी में 229 के ऊपर जैसे स्टॉक निकला तो शॉर्ट सेलर जो था वो ट्रैप हुआ है. एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है, और ऊपर में मुझे लगता है 237-238 के प्राइसेस आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं. किसी ने अगर कल स्टॉक को लिया है तो डेफिनेटली कैरी करना चाहिए. एंड दीपाली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 238 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए. अगर ये स्टॉक 238 के स्तरों को डिसाइसिवली क्रैक करता है, तब एक बड़ी तेजी टूवर्ड्स 244-245 देखने को मिल सकती है. दूसरी तरफ दीपाली, ज्योति लैब्स की बात करें तो स्टॉक ने एक बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, और एक स्टॉक ने कल के सत्र में थोड़ी सी करेक्शन दिखाई थी. उससे पहले भी स्टॉक एक करेक्टिव मोड पर चल रहा है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है. अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो निश्चित स्तरों पर बाइंग करके चलना चाहिए. अभी राकेश ब्रेक में बता भी रहे थे कि 3 एक्सपायरी वेट कर रही है. पहला तो कल डेरिवेटिव एक्सपायरी, परसों नोटों की एक्सपायरी, और उसके बाद 31 तारीख को साल की एक्सपायरी. तो 3 एक्सपायरी बैक टू बैक होंगे, लेकिन एक्सपायरी के बाद एक नंबर आएगा, वो आएगा ऑटो सेल्स का, जनवरी का, जिसकी बहुत वेट की जा रही है. अविनाश, ये ऑटो सेल्स के नंबर इस बार आपको कितने बेहतर लगते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स कुछ पोजीशन आज से ही बनाना शुरू करेंगे. कुछ एक ऐसे शेयर्स जो आपको लग रहा हो कि हाँ नंबर्स के लिहाज से थोड़े ठीक लग रहे हैं, एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो आपके लिस्ट में है कुछ शेयर्स? डिम्पी, मुझे लग रहा है कि ऑटोमोबाइल नंबर्स की अगर हम बात करें दिसंबर की, तो मारुति एक ऐसा शेयर है जो हमको लग रहा है कि दिसंबर की बिक्री अच्छी होगी जो जनवरी में अनाउंस होगी. तो मारुति में डेफिनेटली एक छोटी पोजीशन ली जा सकती है, नॉट ओनली फ्रॉम द शॉर्ट टर्म बट इनफैक्ट मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनवरी टू मार्च का क्वार्टर जो नॉर्मली एक पीक क्वार्टर है, वहाँ पे तो ऑलरेडी थिंग्स नॉर्मल हो रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक रहेगा. रही बात बाकी सारे शेयर्स में, तो हमको लग रहा है कि व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प में तो अवॉइड करें, यहाँ पे डेफिनेटली दिसंबर के नंबर शायद ठीक ना रहे. लेकिन आयशर मोटर्स में हमको लग रहा है कि नंबर्स ठीक ठाक आएंगे, तो यहाँ पे अगर मौका मिले तो यहाँ पे एक्युमुलेट किया जा सकता है. ठीक है सुमित, एक बार आप एक शेयर देखिए डेरिवेटिव्स का, और टेक्निकल भी शायद थोड़ा ठीक लगे, वो है मदरसन सुमी. इसके जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना करीब 150% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, और कल शेयर चला नहीं था लेकिन चलने की तैयारी में था.
कल तो नहीं चला, आज चलेगा क्या? देखने को मिल सकता है डिम्पी, पुलबैक के अंदर ऊपर में स्टॉक 320-325 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इमीडिएटली अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो 302-303 के स्टॉप लॉस से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें और ऊपर में 320-325 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लें। कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं जहां पर कल के, इनफैक्ट मेटल्स पर मैं एक राय आपकी लूंगी राकेश, कोई ट्रेड आप लेंगे? लगातार तीन चार दिनों की कमजोरी के बाद एक स्मार्ट पुलबैक कल हमने मेटल स्टॉक्स में देखा और इस पे से दो स्टॉक्स पर आपके कमेंट, एक तो नालको और दूसरा हिंडालको, दोनों पर क्या करें आज? दीपाली, मेटल्स में भी एक पुलबैक चल रहा है बट पुलबैक को प्ले नहीं करेंगे, बट जो दो स्टॉक्स आपने बात करी है उसमें नालको का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और स्टॉक ने नीचे में देखें तो 56 रुपये के अराउंड एक बेस बनाया है, बट ट्रेडिंग के नज़रिए से नहीं, अगर किसी का निवेश का नज़रिया है तो नालको को डेफिनेटली देखा जा सकता है। दूसरी तरफ हिंडालको की बात करें तो एक मात्र 4 रुपये का एक कल के सत्र में एक पुलबैक देखने को मिला था। दीपाली, ट्रेडिंग के नज़रिए से एज ऑफ नाउ ओपनिंग में तो कोई पोजिशन रिकमेंड नहीं करेंगे हिंडालको के अंदर? कोई ऐसी चीज़ नहीं जो जी बिजनेस लगातार आपके सामने डिटेल और फैक्चुअली ना रख रहा हो और उसमें सारस मिस्त्री और टाटा सन्स के बीच में जो टसल चल रहा है वो लीगल बैटल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है और कन्वर्जन भी ऐसा हुआ कि नोटिसेस भेजने तक की बात आ गई है। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ रूम से, किसने किसको नोटिस भेजा, उस नोटिस की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे यह मामला सुलझेगा या फिर ये सीधा कोर्ट कचहरी का ही मामला बन के रह गया? सुमित बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, टाटा सन्स की तरफ से भी एक नोटिस भेजा गया है सारस मिस्त्री को लेकर। जो नोटिस भेजा गया है उसमें साफ चीज़ मेंशन की गई है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है पब्लिक डोमेन में वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल सीक्रेसी मेंटेन करने की बातचीत की गई है क्योंकि जिस लेवल पे वो थे स्पेशली बतौर डायरेक्टर, कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी जो अगर वो लीक करते हैं या फिर अगर वो पब्लिक डोमेन में रखते हैं तो उससे टाटा सन्स की जो कई सारी देनदारियाँ हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि NCLT में जो याचिका उन्होंने दी है उसके ज़रिए भी उन्होंने कई सारी ऐसी बातचीत की है, कई सारी ऐसी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखा है जो उन्हें नहीं रखना चाहिए था। साथ ही साथ थर्ड पार्टी को लेकर देनदारी बढ़ने की भी बातचीत कही है उन्होंने, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें थी जो कि उन्होंने टाटा डोकोमो मामले में कही हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नैनो में भी हाईएस्ट प्रोडक्शन के लेवल पर भी नैनो एक लॉस मेकिंग का प्रोजेक्ट रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो कि सारस मिस्त्री की तरफ से कही गई और उसको बतौर आरोप उन्होंने सामने रखा है कि ये सभी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सारस मिस्त्री की तरफ से भी एक जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी बात उन्होंने कही है वो सभी तथ्यों के आधार पर हैं, सभी के साथ लीगल जो अटैचमेंट्स हैं वो रखे गए हैं और सभी में लीगल अप्रूवल्स भी लिए गए हैं। जो भी बातें कही गई हैं उनके साथ प्रॉपर उनके साथ फैक्ट शीट्स भी अटैच की गई हैं, तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें फैक्चुअली गलत हो। तो दोनों ही तरफ का जो टसल है वो लीगल वॉर जो है वो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अब डायरेक्टली दोनों ही ग्रुप्स के सामने, यानी टाटा सन्स और पालूनजी ग्रुप के सामने आमने सामने यहाँ पर बातचीत हो रही है और दोनों की तरफ से ही जो लीगल वॉर है वो और कुछ और जो टसल है वो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया सुमित आपका। तो ये तो फॉर श्योर है कि अभी ये बोर्ड रूम बैटल जो है वो कोर्ट रूम बैटल में बदल चुका है, लेकिन और ये कब खत्म होगा, कितना स्ट्रेच होगा, इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अविनाश, टाटा मोटर्स DVR, TCS, अब हमने थोड़ा सा हमने बात की भी है पिछले 1.5-2 महीने में कि थोड़े अप्रिहेंशन इन्वेस्टर्स के मन में जरूर हुए थे, लेकिन अब शायद इन्वेस्टर्स इन डेवलपमेंट्स को वॉच जरूर कर रहे हो लेकिन अपनी होल्डिंग के साथ छेड़छाड़ करेंगे इस ग्रुप के स्टॉक साथ, ऐसा नहीं लग रहा है। आपकी क्या राय है और स्पेशली टाटा मोटर्स DVR ये शेयर्स कैसे लग रहे हैं आपको? आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है कि हालांकि अभी ये लीगल बैटल काफ़ी लंबे समय तक चलेगी उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर हम इन कंपनीज की बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडली इन्वेस्टर्स ने ये बात डाइजेस्ट कर ली है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये शायद एक अच्छा मौका है क्योंकि थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। टाटा मोटर्स और टाटा DVR की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको एक्युमुलेट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है, स्पेशली टाटा मोटर DVR, क्योंकि ये अभी भी करीबन 30-35% के डिस्काउंट से फ्रंटलाइन शेयर पे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो आई वुड बिलीव दैट ये मौका है अच्छी खरीदारी करने का, लेकिन थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें। इस बीच कल जो डेरिवेटिव्स के शेयर चल रहे थे क्या उनमें आज भी बढ़त आएगी? उसमें एक इंडिया सीमेंट है 112 पे चल रहा है, 117-118 का राकेश एक टारगेट रखें, 110 का स्टॉप लॉस रखें, आज भी चल सकता है क्या इंडिया सीमेंट? देखिए डिम्पी, इंडिया सीमेंट के लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि सीमेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक देखने को मिला। फर्स्ट लेग ऑफ सेल ऑफ में तो सीमेंट्स के इंडिया सीमेंट ने डिक्लाइन में पार्टिसिपेट करा,
बट सेकेंड लेग में पार्टिसिपेट नहीं करा और सोमवार के सेशन में जो ब्रेकडाउन देखने को मिला, चांसेस उसके फॉल्स ब्रेकडाउन के लग रहे हैं। कल के सत्र में अंबुजा सीमेंट अल्ट्राटेक के अंदर भी एक पुलबैक देखने को मिला था और जिस तरीके से इंडिया सीमेंट का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से सोमवार को शॉर्टिंग हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो टारगेट्स आप बोल रहे हैं वो शायद देखने को मिले इसके अंदर। ठीक है, कल डीएलएफ में ऐसा लग रहा था कि शायद 100 का लेवल तोड़ देगा लेकिन 108 पे बंद हुआ है। आज और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 102 का या 100 का ही स्टॉपर्स लगाएं और 115 से 118 तक का टारगेट रखें राकेश। नहीं डिम्पी, हमने इनफैक्ट ऊपरी स्तरों पर 112 के अराउंड शॉर्टिंग के लिए रिकमेंड किया था और जो हमारे टारगेट्स 104 के वो अचीव हुए थे। एज ऑफ नाउ हम डीएलएफ में कुछ नहीं करेंगे, ऑन ओपनिंग अगर कोई नया पैटर्न इमर्ज होता है तब इसको देखेंगे। सुमित, ये आईडीएफसी बैंक कल काफी अच्छा दौड़ा, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर्स भी था, अगर डेरिवेटिव स्टॉक्स को देखें क्या नया ट्रेड भी ले सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल दीपाली, नया ट्रेड लिया जा सकता है। कल स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है और लोअर लेवल से हमने ऑलमोस्ट 5-6 रुपए की तेजी देख ली है। इमीडिएटली स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि 65-66 तो इमीडिएट टारगेट होंगे और हो सकता है 70 के लेवल तक भी हमको इसके अंदर तेजी वन साइड देखने को मिले। तो यस, एब्सोल्युटली प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाय भी बन रहा है और एग्जिस्टिंग बाय पोजीशंस को एक बार होल्ड करना चाहिए। ठीक है, कुछ एक सरकारी कंपनीज चल रही हैं अविनाश, और कल जो बैठक हुई नीति आयोग की उसमें टायर कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी बेचने पर भी बात हुई है। कुछ एक ऐसी सिक कंपनीज और भी हैं, एक ट्विंस चल रहे हैं, एक तो MTNL और एक ITI, इन दोनों के अंदर आपका व्यू क्या है या आपको और थोड़े चलते हुए दिखते हैं क्या? डिम्पी, मुझे लग रहा है कि अगर हम लॉस मेकिंग PSU की बात करें तो मुझे लग रहा है ITI एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ITI में हमने देखा है कि नॉट ओनली इनके फंडामेंटल्स में पोटेंशियल है, प्लस अगर हम रियल एस्टेट वैल्यू भी देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से एम्बेडेड है। दूसरा जो शेयर अच्छा इंटरेस्टिंग है वो MTNL रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद गवर्नमेंट सोच रही है कि आइदर इसको बेच दे या इसके रियल एस्टेट एसेट्स को मोनेटाइज करे, तो मुझे लग रहा है दोनों ही शेयर में ITI विल बी अ प्रोमिनेंट काइंड ऑफ स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक काफी जोरदार होता है मोमेंटम के लिए, तो यहाँ पे पोजीशन डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ली जा सकती है लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए भी ITI अच्छा पोजीशन है।